what's up, good morning and welcome back to my channel, a new video. So this is gonna be the Sunday ride and hum log ja rahe hai Kasara Ghat pe Dogra Hotel aloo paratha khane. So it's a breakfast ride. So abhi just pahunch raha hu meeting point pe, theek hai. So abhi bas 5-10 minute lagenge एंड सब बाइकर्स वहाँ पे ही आ रहे हैं, अराउंड 8 से 10 बाइकर्स हैं, ठीक है. तो अभी हम लोग भी पहुँचते ऑन द वे है एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है. तो गर्मी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा सुबह सुबह निकल रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो इट्स लाइक 7 बज रहे हैं सुबह के, 6:30 बजे मीटिंग पॉइंट था, 7 बजे निकलेंगे. तो मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ लेकिन आई विल बी जस्ट देयर इन 5 मिनट्स, ठीक है. तो बने रहिए पूरे वीडियो में, आपको काफ़ी बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं, ठीक है. तो हम लोग जा रहे हैं मुंबई आगरा हाईवे से एंड बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे हम लोग, फिर आप लोगों को सबसे मिलाते हैं एंड फिर आगे बढ़ेंगे डोगरा की तरफ और आगे जाके कसारा घाट भी आएगा जो कि काफ़ी बढ़िया है, मस्त टर्न्स एंड ट्विस्ट है. तो इसलिए बने रहिए पूरे वीडियो में, आगे के लिए काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है. मिलता हूँ मैं आपको आगे मीटिंग पॉइंट पर. सर ही आ रहे थे पीछे से. सो गाइस पहुंच गए हम लोग एंड वी आर हियर. सो इट्स लाइक 7:15 एंड सामने मुंबई आगरा हाईवे. तो चलते आगे, आप लोगों से आगे मिलते हैं. So guys, starting a ride for the day and it's gonna be around 50 kilometers ride and just a breakfast one. Here we go. तो ऑलरेडी सनराइज काफ़ी हो गया है एंड थोड़ी देर में गर्मी शुरू हो जाएगी अच्छी खासी. Hey guys, so नासिक सिटी को अलविदा कहते हुए एंड अभी आएगा डिकैथलॉन नासिक का, ठीक है. तो काफ़ी बाइकर्स पीछे आते हुए एंड या इट फील्स अमेजिंग टू बी ऑन द रोड एंड सुबह सुबह का टाइम है तो जैकेट में से एयर पास होती है तो ठंडा ठंडा लग रहा है. तो अभी तक के लिए तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है. बस एक बहाना होता है ब्रेकफास्ट राइड, लोगों को मिलना होता है, अपनी बाइक चलानी होती है, बट दैट्स द थिंग. एंड ये पाथ ही यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रॉयल एनफील्ड पे, आई गेस इट्स मिटियोर 350, काफ़ी प्यारा कलर है एकदम कुछ हटके. उसको सामने से दिखाते हैं, ऐसा कुछ कलर है एंड काफ़ी बढ़िया. तो ये रही ट्रायम बाइक, बाइक की आवाज़ ज़्यादा करती है, ठीक है. तो अभी आएगा टोल इगतपुरी घोटी का एंड उसके बाद आएगा कसारा घाट, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स आ गए हम लोग एंड मज़ा आ रहा था तो ब्लॉग करने ही भूल गया था मैं कैमरा ऑन करना.
गाइस, ये यहाँ पे टाइगर ट्रायम्फ एंड देयर इज बेंटली KTM, सब मिक्स बाइक्स है आज। ठीक है, तो अभी आगे रुकेंगे यहाँ पे चाय पीने के लिए, मेरा हमारा फूड हब बाकी। पूरी सबसे बेस्ट बारिश में हो जाता है, जब पूरी ग्रीनरी हो जाती है यहाँ पे। और सो अभी कसरा घाट चालू होगा, उससे पहले यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं चाय पीने के लिए। निकल रहे तो कैंसिल कर दिया क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज गए, तो बस अभी ये घाट क्रॉस करेंगे एंड पे डोगरा होटल आता है, तो डायरेक्टली वहाँ पे रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी कसारा घाट है, पूरे टर्न्स है एकदम मस्त, तो आपको एक फ्रंट कैमरा से भी दिखाते हैं एंगल से। जब ये कसारा घाट बोथ वेज हुआ करता था, मतलब एक साइड से ही आगे आने जाने वाली गाड़ियाँ, बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, लेकिन अभी जब से वन वे हुआ है ये है जाने का और वो रहा सामने ऊपर से आने का रास्ता, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे गाड़ी चलाने में, मोस्टली बाइक चलाने में, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी टर्न्स मिलते हैं अच्छे से। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुँचते हुए, वो वहाँ पे नीचे है डोगरा होटल एंड अभी कसारा घाट ख़त्म हो रहा है, तो सभी हम लोग नीचे डिसेंड कर रहे हैं एंड पता भी नहीं चला कब पहुँच गए। और मैं तो पूरा छींकते हुए आया हूँ, मुझे इतनी सर्दी हो गई है डेंजर वाली, एसी में सो सो के करना वाली सर्दी हो गई है। तो ये यहाँ पे सामने है डोगरा एंड अभी हम नीचे उतरेंगे, फिर राइट मारेंगे एंड फिर पीछे आएंगे यहाँ पे। गाइस यहाँ तक वीडियो देख लिया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डू कमेंट्स योर व्यूज ऑन दिस वीडियो, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस मोटर व्लॉग्स बनाता रहता हूँ, संडे राइड्स होती रहती है हमारी।